भाई साहब बक्से में से आपका सामान निकल जाएगा। निकलने के बाद पहले तो आपने जिस तरह भी लोगो लगा हुआ है ना उस हिसाब से रख लेना है, इसके ऊपर सीधा इसे रख लेना है। चार नट आएंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, छोटे से बोल्ट होंगे इतने इतने, देख लो सवा इंची के यहाँ पे चार नट कस देने हैं आपने, ये ऐसे लग जाएगा बस। ठीक है, टाइट नहीं करना, ऊपर रख लेना है, बट ढीला ढीला ही हमारा चार नटों में रखा हुआ है। उसके बाद आपके पास इधर का तरफ आ जाओ, इधर ये वाला पार्ट उठा लेना है आपने, ये वाला आपने इधर रख देना है ऐसे। ऐसे रखने के बाद यहाँ पे जैन होगा एक कागज़ का, ये जैन रख देना है यहाँ पर। चलो जी, उसके बाद रखना है अपने ये चक्की वाला जगह, इसमें ना थोड़े से बड़े लगेंगे आपके, ये भी लग जाएंगे वैसे तो। इस हिसाब से इसको भी रख लेना है आपने, इसका जो पाइप लगाया है इसका मुंह जो है इस तरफ रखना है आपने। ठीक है ना, जिस तरफ अपना ये लगा हुआ है ना, लोगों की निशानी है अपनी, इसके दूसरी तरफ निकाल लेना मुँह आपने ये वाला इधर को। इसका चार नट इसमें ढीला ही रखना है, टाइट नहीं करने, बीच में डाल के नट ढीले। उसके बाद भाई साहब ये चार एंगल होगी आपके पास, दो ये वाली, दो वाली ये वाली। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने ये वाला जो है इसको ऐसे लगाना है, इस तरफ से ऐसे इस पोजीशन में। ठीक है, ऐसे ऊपर को मुंह करके जो झिरी वाला जगाड़ है ना इसका, ये वाला ये आपका जो है इस तरफ आए, इस तरफ। ठीक है, जिस तरफ इसका निकलने के लिए है ना मुंह दिया हुआ, उस तरफ लगाना है अपने ऐसे। अब इसको फिट करेंगे हम चार नटों में, रुको। ठीक है सर, ऐसे एंगल में लगाना है, देखो हम लगा रहे हैं अभी यहाँ पे चार नट। ध्यान रखना है बस इस तरफ से, झिरी वाला जगह इस तरफ रखना है अपने, इस तरफ भी चार नट हमने लगा के ढीले रखे, टाइट नहीं किए हैं, हिल रही है। उसका दो जो ये वाली एंगल है ना, ये वाली, इसको एक तो हमने इस तरफ लगा दिया ऐसे मुँह करके इस तरफ से, ये जो है ये यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगानी है। कावले डाल लो इसमें फिट करके, इसमें भी कावले डाल लो आप, छोटे छोटे जो आए हाथ में। भैया मोटर हमने निकाल ली है पेटी में से, मोटर आ गई हमारी बाहर, ये देखो मोटर। हमारे मैकेनिक साहब ये बुश निकाल दिया, चाबी संभाल के रखना है आपने, पुली उठाना, एक पुली होगा इसका, ये वाला पुली है, लगाओ जी ये। हाँ लगाओ भैया, कटर का ध्यान रखना है, कटर देखो हमने निशानी मिला ली है चाबी की इसके साथ, अभी उसको ठोक रहे हैं हम, ये देखो बराबर आ गया फेस है ना, जो ये फेस बराबर आ गया, हल्का सा बाहर आ गया। ठीक है, बस हमने कटर है ये कटर ठोक दिए, ढीली है थोड़ी सी, टाइट कर देंगे हम टंका रख के इसके ऊपर, कईयों में टाइट होती है कईयों में ढीली होती है, कटर ढीली थी हमारी, हमने ये देखो चप चपटी कर रहे हैं इसको, मार मारा थवरा भी टाइट हो जाए थोड़ी सी, ये देखो ये चपटी होगी, देखो ये देखो चपटी होगी भैया, अब इससे टाइट हो जाएगी, ये देखो टाइट हो गया ना। टाइट कर दी हो गई जी, बस। और जो ये पट्टी है ना जी, ये वाली हमने दी हुई है जो, इसको पूरा ऊपर उठा के टाइट करना है, बिल्कुल ऊपर फ्रेम को ना, बिल्कुल ऊपर उठा के, पूरा ऊपर उठा के ना, ऊपर उठाओ जी, ये प्रे पड़ा ऊपर उठाओ जी, रोड मार दी ऊपर ऊपर को भैया, ऊपर क्या ऐसे ऊपर करके कसना है पूरा। ये नट तो आपने ऊपर उठा के टाइट कर देने चारों, एक इधर एक ये वाला दो उधर से, इसको हल्का हल्का साथ में लगा लेना है, बाजी ढीला ही रखना है, हल्के हल्के टाइट कर लेने, पता मोटर बाड़ा मोटर उठा के ना, फिर आपने पुली वाला जो हिस्सा है इस तरफ रखना है। देखा भैया जो आगे वाले एंगल है ना अपने, ये फेस देख लेना, जितना फेस यहाँ पे रखा है ना उतना ही इधर रखना है, इधर भी इतना ही रखना है, इधर भी इतना ही है ना, ये देखो जितना फेस यहाँ पर है उतना दोनों तरफ फेस रख के टाइट करना है इसको, ये देखो जितना फेस इधर है उतना ही इधर है, दोनों फेस रख के ना आगे वाला एंगल जो है टाइट कर दो पूरा, आगे वाले टाइट करने ये वाले पूरे टाइट कर दो आगे वाले, पीछे वाला जो है सेंटर में देख के टाइट कर देना, पीछे वाला जो है ना देखो अंदर वाले टाइट करने, ये वाले नहीं टाइट करने, ये वाले करने हैं बस,
पीछे वाले भी नट टाइट कर देने, वो देखो चारों नट टाइट हो गए आपके मोटर के, आगे वाली वो भी हो गए, ठीक है जी। अभी बनाएंगे लाइन, ऐसा धागा ले लेना आपने, धागा उठा के ना ऐसे ऐसे लाइन बनानी है। ठीक है ना भैया, ये देखो ये देखो, ये ऐसे धागा लगाना है ऊपर से, देखो ये मिल गया ना, नीचे देखो यहाँ पे मिल गया धागा और नीचे वहाँ पे आ रहा है, देखो उसकी किनारी में ये वाली जो किनारी है ना पुली की, ये वाली किनारी इधर यहाँ पे धागा आ रहा है पूरा सही, यहाँ पे आगे लग जा रहा है इसकी लाइन का, इधर इसकी लाइन इसको इधर मिला लेना है, इसका नीचे देख लेना नीचे, और थोड़ी सी ऊपर से निगाह भी मार लेनी, जैसे देखो हमारा मिस्त्री मार रहा है ना ऊपर से निगाह, ये देखो आँख मीच के ऐसे ऐसे देखना है, ऐसे देखो अभी हो गई ना ओके 0-0 लाइन, ठीक है ना। इसकी यहाँ पे धागा लगा कर ये फेस पे देख लेना, इसका यहाँ पे टच हो जाए धागा ऊपर की तरफ, इसका यहाँ पे फेस पे ऐसी लाइन बन जाएगी, उसके बाद फिर पूरा नट जो है टाइट कर देना है। अगर आपको कोई घूमने वाला लग रहा है तो यहीं पे घुमा लेना है, क्या ये नट जो है पूरे टाइट कर दो, बस मोटर के भी कर दो पूरे टाइट, जो भी देख रहे हैं आपको सारे नट टाइट कर दो, सब नट टाइट कर देना सर, ये वाले भी ये वाले भी ये वाले भी पूरे नट टाइट हो गए, ये देखो ठीक है सर। अभी आपको दिखाता हूँ बेल्ट कैसे चढ़ानी है, तो पूरे नट टाइट कर दो सारे। ये हमने पहले छोटी बेल्ट उठा ली, छोटी बेल्ट है जो है अंदर नीचे चढ़ा कर ना, इधर नीचे चढ़ा के इधर घुमा देना, ठीक है जी। उसके बाद एक मीडियम, पहले छोटी फिर उससे बड़ी, वो दो दो दी है, दो एक जैसी बड़ी बेल्ट है ना, उसके बाद ना जो दो बड़ी बेल्ट है, दो बड़ी बेल्ट जो है एक छोटी चढ़ा दी, एक उससे छोटी है दो बड़ी है। अभी दो बेल्ट जो है हमने पहले इसमें नीचे से निकाल कर एक बेल्ट अंदर निकाल दी, ये देखो हाँ, पहले यहाँ पे चढ़ेगी ना, यहाँ पे चढ़ने के बाद दूसरी ऊपर से ये चढ़ गई, देखो इसे चढ़ा ऐसे चढ़ेगी, ठीक है जी, ये ऐसे यहाँ पे चढ़ गई, ठीक है टाइट हो गई बिल्कुल ओके। ये वाली जो है वो यहाँ पे चढ़ेगी, ये हो गया आपका बेल्ट का, हो गया जी ओके। ये बेल्ट ढीली थी हमारी, तो हम इसको इधर वाला हिस्सा जो नीचे चोट लगा दी, नीचे को चोट लगा दी, सब बेल्ट टाइट हो गया, बाद में टाइट कर देंगे और टाइट होगी, फिर होगी टाइट, देखो नट टाइट कर देंगे अभी हम। उसका ये उठा लेना सर, आपने तीन नट ये खोलने हैं, 1-2-3 बताइए नहीं सारी मोटा मोटा, अभी इसको यहाँ पे लगा देना, ठीक है सर। उसके बाद ये, उसके बाद आ जाएगा आपका ये कवर, इसको यहाँ पे लगा देना है, हो गया जिसका काम, उसके ऊपर जो है फिर इसको लगा देना है, यहाँ पर तीन नट लगेंगे आपके, दो एक इधर एक उधर, इधर वाला, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये वाला तीन नटों में ये लगेगा, ये तीन नटों में ये हो गया फिट आपका, ओके सर। और दूसरी बात जी, यहाँ पे तेल डालते रहना है आपने, जैसे मान के चलो सवेरे चलानी है ना, तेल डालकर ही चलाना है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ पे नट लगाओ तो नट लगा देना है हाथ से, उसका तीन नट आपने इसमें लगा देना, ये यहाँ पे लग गया हुआ है ना तीन नट, इसमें लगाने ज़्यादातर ना ये जो पत्ती है ना, जब चलाना है ना ये पत्ती अंदर रखना है, पहली बात तो ये अंदर लॉक लगा के, इसे लॉक लग जाता है, मशीन चालू करने के बाद फिर इसको धीरे धीरे खोलना है, ठीक है जी, ऐसे धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं खोलना, अगर पहले ऐसे खुला रहेगा ऊपर दान डाल दोगे मोटर नहीं चलेगी आपकी, ये बंद रखना है अपने, इसे इसको लॉक लगाना है और धीरे धीरे खोलना है, ठीक है जी। बाकी धान जैसे भी ये राइस मिल है, इसका काम लेना तो इसका खोल लो, अगर उसका काम है तो उसका खोल लीजिए पत्ती, एक साथ नहीं खोलना किसी का भी, बंद रखना है, धीरे धीरे खोलना है मोटर चालू करने के बाद, धीरे धीरे बिल्कुल, ठीक है। तीन नटों में यहाँ पे सर ये लग जाएगा, इसका इधर वाला हिस्सा तो आपका हो गया कम्प्लीट, ये धीरे धीरे खोलना है, ठीक है सर। और इसको यहाँ पे लगाना है अपने, इनों में ये यहाँ पे लगेगा ऐसे, ठीक है जी, ये दो नटों में यहाँ पे लग जाएगा आपका। बाकी रही बात दूसरी, धान डालने के बाद इसको धीरे धीरे खोलना है, खोलने के बाद ये यहाँ पे 0 पे होगा आपका, जैसे चावल निकलने लगा ना निकलने लगा, इसको एक नंबर पे कर लेना, एक पे हाथ लगा के देखना है ठीक आ रहा है, अगर साफ नहीं आ रहा 2 पे कर लो,
हाथ लगा के देखना है सही आ रहा है, वहीं पर चलने देना है। 3-4 नंबर दिया हुआ है, बस देख लेना है काफ़ी सही आ रहा है, वहाँ पर सेट कर देना अपने। और जो यहाँ पे लगाना है ना 3 नोटों में, यहाँ पे जैन लगाना, साथ में जैन आया होगा ऐसा, आगे राइस मिल के ना आगे ये लगाना है, इसके बाद यहाँ पे लगाना है जगाड़ अपने, ये जैन लगा कर। कई बार ये साथ में लग जाता है, इसको थोड़ा बेल डाल देना है, ठीक है देखो बेल डाल दिया ना, इसके बाद ये फंसाना है, यहाँ पे लगाना है इसको, 2 नोटों में लगेगा, ये देखो ऐसा टाइट लग गया, यहाँ पे 2 नट लगेगा, 1 नट यहाँ पे, ये तो हो गया ठीक है। साथ में कपड़े आएंगे, कपड़े बांध देने चिट्टे वाले, वाइट वाले जो कपड़े ना ये वाले बांध देने, यहाँ पर एक इस पे बांध देना है ठीक है जी। बस बाकी जब जाली बदलनी है ये 4 नट खोलने पड़ेंगे आपको, 4 नट खोल के रिंग खुल जाएगा, खुलने के बाद ना इसमें खाँचा बना हुआ है, वो देखो अंदर, ये देखो खाँचा बना हुआ है ना, खाँचे के ऊपर जाली बैठ जाएगी, ये निकल जाएगी, उसमें बिठा के नट टाइट कर देने चारों, आप ऐसी बैठेगी जाली ठीक है जी, जाली जब बदलनी है 4 नट खुल के, ठीक है सर। ये अंदर फिट रहेगा आपका, जब नट लगाओगे ये अंदर फिट होगा, इसके साथ ही फिक्स रहेगा ये, ठीक है सर। बस ऐसी चलेगी, और जब चलनी है ना मोटर, धार नहीं खुला होना चाहिए आपका, तार सीधा मीटर में जो तार आती है वहाँ पे प्लग लगाना अपने, बोर्ड बोर्ड में ना लगाना, जल जाएगी मोटर आपकी, नहीं ठीक है सर। प्लग में जहाँ पे मीटर में तार है वहाँ पे प्लग लगाना, ये बंद होना चाहिए दोनों का, बंद करके धान डालने के बाद इसको धीरे धीरे खोलना है, धीरे धीरे जितना लोड पड़ता है देखते जाना है, ज़्यादा लोड ना पड़े उस हिसाब से खोल के या फिर चेक नट कर देना है। और कई बार जब धान फंस जाता ना इसमें, इसको भी ऐसे कर दिया करो, थोड़ा सा बीच में धान होता है साफ हो जाता है, बस इतना ही काम है जी। पत्ती है ना जी, ये अभी पत्ती जो है यहाँ पर लगेगी ऐसे, यहाँ पर बंद करने के लिए, ये जो कवर आपका यहाँ पर लगा हुआ है ना, यहाँ पर आगे इसके यहाँ पर आगे लगाने के लिए पत्ती है ये, जैसे कि मिर्ची दलिया वगैरह मिर्च पौनी है ना, फिर इसको उठा के यहाँ से हल्दी वगैरह जो पीसनी है यहाँ से इसके नीचे से चली जाती है धीरे धीरे, इसको बंद हो जाता है ये पहले पॉइंट में ही। ध्यान रखना कहाँ से खोल रहे हो, वहीं पे लगानी है, ये हमने तार खोल के निकाल दी उसमें से, ये वाली प्लग जो होता है, कई बार प्लग साथ में नहीं होता तो फिर तार आपको अलग से लेनी पड़ेगी, प्लग होता है ठीक है। उसके बाद ये ऊपर का नट खोलने दो, ऊपर वाले ये जो तारें हैं नीचे की तरफ लगाना है, जिसमें लिखा हो देखो ऑन ऑफ, नीचे ऑफ है ना, नीचे ऑफ वाले में तार लगानी है, जिस तरह ऑफ है, ये जो प्लग वाली वायरें हैं मोटर में से खोल के उसके नीचे ऑफ वाले में लगानी है, जो ये क्लंप यहाँ से खोल लेने, यहाँ से खुल जाता है, खुलने का यहाँ से अलग हो गया, ये अलग हो गया, होने के बाद इसको यहाँ पे फिट कर देना है, ये देखो इसमें फिट हो गया, ये देखो फिट हो गया, इसको डाल के लॉक लगा देना है, बाद में करें तार लगाएंगे, पहले तार लगाएंगे, तार लगा इसमें लॉक कर देंगे। ये टोटा इतना कितना सर? 2 वायर पर टोटे अलग से ले लेने हैं, 2 तार लेकर जो ऊपर की तरफ ऑन है, ऑन की तरफ ऊपर लगा देने, ऊपर एक इसमें एक इसमें, साथ में छोटा सा प्लग भी आया होगा ऐसा, ये साथ में एक इसके कस देना है, किसके कस देना है, इधर उधर लग जाए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। ऑन की तरफ वायर लेके 2 अलग से, एक उसमें लगा देना, किसमें लगा देना, साथ में प्लग लगा देना है, या से 2 वायर काट लेनी है, उसका डब्बी को इसमें फिट कर देना है, वहाँ पे फिट करने के बाद ये जो 2 वायर हैं, मीटर है ना, ये जो मीटर है ये भी देखो, ये जहाँ प्लग लगाना है जहाँ पे, हाँ ये जो इधर लेके साइड रखना है, ये जो वाइट वाला प्लग लगाना है छोटे वाला, वो इस तरफ रखना है, इधर से लग जाएगा वो बैठ गया, ये प्लग जो है इसमें लगा देना है, ये प्लग इसमें लगा देना है, हाँ दबा के अच्छी तरीके से लगा देना है। उसके बाद बची ये 2 वायरें, ये आपने जहाँ से खोला था यहाँ से और यहाँ से खोली थी, यही पे ये 2 वायरें जो है यहाँ पे लगा देनी है ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, अभी सब ओके होगी तार। उसके बाद चलने के बाद जैसे मानो ये चक्की है, तार लग जाएगी मोटर की, तो आपने इस हिसाब से बैठ जाना है, ऐसे रख के ना इस तरफ घूमनी चाहिए आटा चक्की जो है, देखो ऐसे घूमनी चाहिए, राइस मिल की मोटर भी इस तरह भी घूमनी चाहिए ठीक है, ऐसे हाँ, ऐसे घूमनी चाहिए, ध्यान रखना अगर ये ऐसे घूमनी चाहिए ठीक है। अगर ये उल्टी घूम रही है तो फिर ये लाल वायर जो है, एक ये लाल वायर है, एक ये लाल वायर है, ये 2 नट खोलने के बाद ये लाल वायर को खोल के इसमें कस देना है, ये वाली खोल के इसमें कस देना है, अगर उल्टी चले तो, वरना नहीं। मान के चलो अभी ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, इसका मुंह जो है ये इस तरफ आटा निकलाएगा ठीक है। ये मुंह जो है कई बार उधर लग जाता है, इसका गेड़े ऐसे हो, इसका मुंह उधर हो तो गलत हो जाएगा, इसका मुंह जो है इधर की तरफ रखना है आपने,